भोपाल की खिलाड़ी साउथ कोरिया में परचम लहराने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। जज्बा ऐसा कि एक्सीडेंट भी खिलाड़ी के इरादे नहीं तोड़ पाया। ऐसा ही है भोपाल के टाइकोंडो खिलाड़ी मास्टर लक्ष्मण गुरंग, जो 16वीं वर्ल्ड टाइकोंडो कल्चरल एक्सपो प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। एक्सीडेंट के बाद उन्हें डॉक्टर से टाइकोंडो की तैयारी करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन जीत के लिए ललक ऐसी कि दर्द के बाद भी अपनी तैयारी को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा। खिलाड़ी लक्ष्मण ने मेडल लाने का वादा भी किया है। सर, मैं साउथ कोरिया जा रहा हूँ। साउथ कोरिया के मुजू शहर में एक 16वीं कोरियन कल्चर टाइकोंडो चैंपियनशिप हो रही है, इंटरनेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप हो रही है। उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ और ये चैंपियनशिप जो है 17 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच हो रही है। सर, इसके पहले मैंने अपने टाइम में काफ़ी चैंपियनशिप मैंने खेली है और मैं पिछले 6 महीने से ये चैंपियनशिप के लिए मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और सर, बीच में मेरे एक एक्सीडेंट हुआ था 31 जुलाई को। डॉक्टर ने मेरे को बोला था आपको बेड रेस्ट देना करना है और नहीं तो आप आगे खेल नहीं पाओगे। तो मैंने 2 दिन मैंने बेड रेस्ट किया और तीसरे दिन चौथे दिन मैं अपना उसमें अपने हॉल में जाके मैंने अपने फिर पुनः अपनी तैयारी शुरू करी। और आज दर्द मुझे बहुत दर्द होता था उस समय, लेकिन मैंने दर्द को पे ध्यान नहीं दिया और मैं अपने उसमें लगा रहा और आज दर्द मेरा कम है, बहुत कम है।